सभी शिक्षकों को नमस्कार। दीक्षा पर 15 सितंबर को एक प्रशिक्षण लॉन्च किया गया है। विद्यालय वापसी योजना के संबंध में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का ये प्रशिक्षण लॉन्च किया गया है, जिसे 30 सितंबर तक सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। आप इस प्रशिक्षण को इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए लिंक पर क्लिक करके पूरा कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण की क्या क्या मुख्य बातें हैं वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। इसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम तथा अन्य बातों को विस्तृत से समझाया गया है। विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदु। नंबर एक, एक बच्चे के लिए विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं। नंबर दो, बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है। नंबर तीन, शैक्षणिक सामग्री को कहां से डाउनलोड किया जा सकता है। नंबर चार, कार्यपत्रों पर कार्य कैसे करें। और नंबर पाँच, सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां कैसे करें। ये पांचवा जो पॉइंट है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर छः, अन्य बिंदु। तो अब एक एक करके बिंदु देख लेते हैं। पहला है, विद्यालय वापसी योजना में एक बच्चे के लिए विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं। तो स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव। छात्र लगभग 1.5 साल में विद्यालय नहीं आए हैं, 1.5 साल से। इस समय के दौरान ई पाठशाला के द्वारा बच्चों की शिक्षा के प्रयास तो किए गए हैं, परंतु बच्चे अभी भी कक्षा स्तर में बहुत पीछे हैं। कोविड के दौरान बच्चों के मानसिक एवं भावात्मक विकास को भी क्षति हुई है। सभी छात्रों, खासकर कक्षा 1-2 के छात्रों के लिए अभी विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम की आवश्यकता पर सभी शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं अधिकारियों द्वारा पिछले कुछ समय में जोर दिया गया है। विद्यालय खुलने पर संचालन के दिशा निर्देश शासनादेश द्वारा जारी किए गए हैं, जिनका पालन किया जाना है। वे विद्यालय जहां छात्र संख्या कम हो एवं कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य किया जा सके, वहां विद्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। नंबर दो, वे विद्यालय जहां छात्र संख्या ज़्यादा है वहां विद्यालय 2 पालियों में खुलेंगे। प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। विद्यालय वापसी योजना का दूसरा जो बिंदु है, बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है। तो विद्यालय खुलते ही सभी कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें 3 मुख्य बातों पर जोर हो। देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। बच्चों की उपस्थिति पर आवश्यक ध्यान, होम विजिट कॉल करके प्रेरणा साथी के सहयोग से, ग्राम प्रधान के माध्यम से। दूसरा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन, मास्क अनिवार्य, आवश्यक दूरी, समय समय पर हाथ धोना। फिर है, कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियाँ, रेमिडिएशन के लिए अभ्यास, मानसिक एवं भावात्मक विकास गतिविधियाँ, कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय से जुड़ाव गतिविधियाँ। नंबर एक इसमें देख लेते हैं, विद्यालय खुलते ही सभी कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें 3 मुख्य बातों पर जोर हो। क्या क्या बातें हैं इसमें। पहली, कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियां हैं, रेमिडिएशन के लिए अभ्यास, मानसिक एवं भावात्मक विकास गतिविधियां, कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय में से जुड़ाव गतिविधियां। तो इसमें क्या क्या गतिविधियां, कक्षा कक्ष की गतिविधियों में किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर देख लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें अभ्यास अवश्य हो। अभ्यास पत्रकों के प्रश्नों को बोर्ड पर अथवा कॉपी पर लिखकर करवाएं। सभी कक्षाओं के लिए मानसिक एवं भावात्मक जुड़ाव की गतिविधियां एवं कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडीनेस गतिविधियां अवश्य की जाएं। नंबर 3 है, बच्चों के साथ खेल गतिविधियां करें तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौके दें। कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियाँ करवाएँ। सहज पुस्तिकाओं का प्रयोग अधिक करें।
उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी हैं। प्रतिदिन सुबह 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, जिसमें हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षानुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर पाएँ। गणित एवं विज्ञान में भी टेक्स्ट बुक से पढ़ाने से पहले उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रकों द्वारा कार्य करवाया जाए। नंबर 3, अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौके दें, कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां करवाएं, मानसिक एवं भावात्मक विकास की गतिविधियां प्रतिदिन आवश्यक करवाएं। ये हुआ कक्षा 1 से 8 में मानसिक एवं भावात्मक विकास की गतिविधियां प्रतिदिन अवश्य करवाएं। फिर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 दिन की प्रस्तावित योजना। अब इसमें क्या क्या करना है आपको, विद्यालय रेडीनेस एवं मानसिक 20 मिनट, जिसमें आप स्वागत, वार्म अप, उप गतिविधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता चेक। फिर है 40 मिनट का ही इसमें आगे विद्यालय रेडीनेस एवं मानसिक एवं भावात्मक विकास की गतिविधियां, उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियां। फिर है भाषा उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां, जिसमें 60 मिनट का पहला पीरियड होगा। इसमें हिंदी अभ्यास में उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं, पोस्टर एवं कन्वर्सेशन चार्ट। फिर इसमें 60 मिनट का होगा कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, उपलब्ध संसाधन, सहज एवं लाइब्रेरी किताबें। मध्याह्न भोजन के बाद गणित उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां 60 मिनट, उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं, टेक्स्ट बुक। फिर दूसरा है 60 मिनट का मैथ कार्ड, पोस्टर एवं मैथ किट में गतिविधियां। फिर है सह पाठ्य गतिविधियां 30 मिनट की, सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, यदि विद्यालय एक पाली में चल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 दिन की प्रस्तावित योजनाएं हैं, विद्यालय रेडीनेस एवं मानसिक एवं भावात्मक विकास की गतिविधियां 20 मिनट वही जो ऊपर है सेम, इसमें वही रिपीटेशन किया गया है। फिर यदि विद्यालय 2 पालियों में चल रहे हैं तो इसे हम डबल कर देंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 दिन की प्रस्तावित योजना क्या है, अब उच्च प्राथमिक की देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावात्मक विकास की गतिविधियां 20 मिनट का पहले उसमें स्वागत, वार्म उप गतिविधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता चेक। फिर 40 मिनट हिंदी उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावात्मक विकास गतिविधियां, उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियां एवं अभ्यास पत्रक, ध्यान आकर्षण की गतिविधियां। अगला 60 मिनट में गणित उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां, प्रेरणा पोर्टल से ही हमें अभ्यास पत्रिकाएं और टेक्स्ट बुक लेनी है। फिर विज्ञान भी लेना है इसमें, अगले 60 मिनट में उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां हैं, विज्ञान उपलब्ध संसाधन, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध संसाधन, अभ्यास पत्रिकाएं, टेक्स्ट बुक। आगे अंग्रेजी में मध्याह्न भोजन के बाद करना है, इसमें अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियां जैसे स्टोरी टेलिंग, ओरल वर्क, डिस्कशन, रीडिंग प्रैक्टिस, ग्रामर आदि आप करवा सकते हैं। लाइब्रेरी में 40 मिनट उसके बाद पीरियड होगा कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, उपलब्ध संसाधन, लाइब्रेरी किताबें। और लास्ट के 40 मिनट का होगा सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत। देखिए अगर विद्यालय एक पारी में चल रहा है तो ये केवल एक बार होगा, और अगर डबल पारी में है तो यही हम जो है दूसरी उसके लिए भी दोहराएंगे, दूसरी पाली के में ये टाइम जो है ये हम घटा के थोड़ा कम कर देंगे, बाकी क्रियाकलाप वही होने हैं। पहले उसके लिए 10 मिनट हैं, फिर 30 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट और 20 मिनट के इसमें कालांश होने हैं, बाकी क्रियाकलाप जो हैं सेम हैं। विद्यालय वापसी योजना का मुख्य बिंदु, शैक्षणिक सामग्री को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, तो ये शैक्षणिक को आप प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड कर दी गई हैं और वहाँ से आप सामग्री को कक्षा वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रेरणा UP.in पर क्लिक करें, टीचर्स कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस पर क्लिक करें,
अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सामग्री अपलोड करें। विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदु, कार्यपत्रों को ऊपर कैसे प्रयोग करें, चौथा पॉइंट है हमारा। तो अभ्यास पत्रकों का विद्यालय में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। ये देखिए, इसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित एवं हिंदी के अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान के अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की सब अपलोड कर दिए गए हैं। एक अभ्यास पत्र पर शिक्षण गतिविधि करने के लिए एक से अधिक दिन का भी समय लिया जा सकता है। शिक्षण बोर्ड पर अथवा बच्चों की कापी पर पत्रकों के प्रश्नों को लिखकर अभ्यास करवाएं। इधर ये कार्यपत्रक दे रखा है। अगला बिंदु है हमारा पांचवा, सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां कैसे करें। तो सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें हम विभिन्न गतिविधियों को अपना सकते हैं। जैसे गतिविधि दो है, वादा और फिंगरप्रिंट। आप इस गतिविधि को डिटेल में पढ़ सकते हैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की तैयारी एवं बच्चों के साथ जुड़ाव, सहायक शिक्षण सामग्री, पोस्टर, चार्ट, मैथ किट एवं कार्यपत्रक पर कार्य भाषा एवं गणित, इसके बारे में आप डिटेल से इस प्रशिक्षण को जब दीक्षा ऐप पर करेंगे तब आप कर सकते हैं। इसमें विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ाव एवं कार्यपत्रक पर कार्य, बच्चों के साथ जुड़ाव संबंधी गतिविधियां, बच्चों को अपने मन की बात बोलने के मौके, दूसरों की बात सुनने समझने के मौके, कक्षा में वापसी, आपसी सहयोग और व्यवहार पर आपसी सहमति, कक्षा में सहज अनुकूल वातावरण का निर्माण, शिक्षक एवं बच्चों और बच्चों का अन्य सहपाठियों के साथ संबंध आदि। ये है बच्चों के साथ जुड़ाव संबंधी गतिविधियाँ। विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ाव एवं कार्यपत्रक पर कार्य, ये कार्यपत्रक दे रखे हैं। ये आपको विद्यालय में उपलब्ध हुए हैं मटेरियल में। ये तो अन्य बिंदु हैं, ये SRG ARP डाइट मेंट्रो द्वारा क्या क्या भ्रमण वगैरह करना है, तो ये सब मुख्य बातें थी। आप इसके बारे में विस्तृत डिटेल आप जब प्रशिक्षण पूरा करेंगे दिए गए लिंक पर, तो वहाँ से भी आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। वीडियो को शेयर करना न भूलें, तभी सभी शिक्षकों तक ये पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक भी कर लें। नमस्कार, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश।